आखिर कौन है ये द्रौपदी मुर्मू, क्यों चुना गया है इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार? आज से पहले ये नाम कहाँ था बताएगा आपको हमारा चैनल, पूरी खबर विस्तार से देखिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर आखिरकार मुहर लगा दी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू अगर जीत दर्ज करती हैं तो वह भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। फिलहाल अभी सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के पास। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 ओडिशा में एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई। उन्होंने रामा देवी विमेन्स कॉलेज में से स्नातक किया था। इसके बाद द्रौपदी के ओडिशा के राज्य सचिवालय से नौकरी की शुरुआत। 1957 में वह पहली बार नगर पंचायत का चुनाव जीतकर पहली बार स्थानीय पार्षद बने। 3 साल बाद उसी निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई। ओडिशा के मयूरगंज जिले की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रही हैं। वह भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही थी। उन्हें 2007 में ओडिशा विधानसभा सभी द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह पहली उड़िया नेता हैं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह 2002 से 2009 7 साल तक मयूरभंज के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष रही। 2013 में उन्हें मयूरभंज जिले के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया और जब तक उन्हें राज्यपाल की कुर्सी पर कब्जा नहीं किया तब तक वह पद पर बनी रही। उस अवधि के दौरान उन्होंने भाजपा एसटी मोर्चा या पार्टी की अनुसूचित जनजाति विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया। मुर्मू जीती तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पाटिल 2007 से 2012 के दौरान देश के सर्वोच्च पद पर रही थी। मुर्मू की तरह पाटिल भी राज्यपाल के पद पर रह चुकी थी।